हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास सीआईबी बीएफएम में रिटेल बैंकिंग के ऊपर हम लोग बात करें, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, किस सीआईबी का जो बीएफएम है और सीआईबी का रिटेल बैंकिंग हम पास कर सकते हैं। और यहाँ प्रोग्राम का नाम है वन डे चैलेंज प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम 24 घंटे में कैसे कोर्स खत्म होगा। ये बहुत बड़ी बात है, 24 घंटे में। तो जब आप एक दिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप उस दिन मान लो कि खाली पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक दिन पूरा आप समय निकालते हैं। या तो अगर छुट्टी मिल रही है तो ठीक है, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लीव ले लीजिए। लीव कितनी चाहिए, एक दिन की भी लीव ले लेंगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर एक दिन की भी छुट्टी ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका। मेरा यह मानना है कि आराम से पास करने लायक नंबर आ जाती है आपको। हमने अभी लास्ट टाइम चालू किया था सीआईबी का एबीएम में, ठीक है, वन डे चैलेंज प्रोग्राम। एवरेज मार्क्स आया हुआ है 60 मार्क्स के आसपास, ये एवरेज में बता रहा हूं। पेपर इजी भी था थोड़ा, नेचुरल सी बात है, एबीएम का पेपर इजी भी आया था कंपेरेटिवली लास्ट टाइम के मुकाबले, इससे नंबर भी ज्यादा आया है। और एवरेज हमारे यहाँ जो 60 मार्क्स का आया है, जहां पे मैं वन डे चैलेंज प्रोग्राम वहां भी रन किया हुआ था, सेम चीज हम लोग रन कर रहे हैं बीएफएम के केस में भी, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं आपको नंबर लाने के लिए, एक तो होता है कि सबसे पहला चीज है कि जो आपका सीआईबी का जो सिलेबस है, सीआईबी का जो सिलेबस है, चाहे आप बीएफएम करो चाहे आप रिटेल लो, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना होगा, इसमें दो कंपोनेंट होती हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल, थ्योरी से कितने सवाल आएंगे ये मान के चलना होगा कि सवाल का तो मैं नहीं बोलूंगा, यहां पे आपको ये मान के चलना होगा दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी की केस में आप मैकमिलन बुक, अब मैकमिलन बुक ही आप जब उल्टेंगे ना तो 700 पढ़ने का बुक है, 700 पेजेस का बुक है। मैंने क्या किया है, उसी मैकमिलन बुक को पॉइंट वाइज करके बोर्ड पर लिख दिया है और फिर मैं आपको सब चीज बताते चल रहा हूं, जो बहुत जल्दी या बहुत कम समय में कोर्स खत्म हो जाता है। फिर आता है न्यूमेरिकल, तो मैं न्यूमेरिकल आपको सारा एस्पेक्ट से कराऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैं 35 केस स्टडीज करा रहा हूं, इतना अगर आप कर रहे हैं तो मेरे समझ से बहुत है आपको पास करने के लिए। यह सारा एक चीज हुआ। उसके बाद आपको क्या जरूरी है, अब आपने मानो कि पूरा कंप्लीट कर लिया स्टडी, क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया स्टडी। अब इसको प्रूफ करना होगा ना भाई कि मेरे नंबर सही में 50 आ रहे हैं या नहीं, क्या प्रूफ करना होगा, 50 मार्क्स के बाद। कैसे साबित होगा, तो होगा मॉक टेस्ट से। उसके बाद आप एक या दो उससे ज्यादा मॉक टेस्ट मत दीजिए और नंबर देखिए कितना आ रहा है, कुछ नंबर आएगा। अगर आपके हाथ में और समय बचा तो फिर से पढ़ लीजिए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। अगर एक से दो बार आप पढ़ के जाते हैं तो मेरा मानना है बहुत अच्छे से पास कर जाइएगा। पर अगर जहां एक दिन ही आपके पास समय बचा है, आप क्या कर सकते हो, थ्योरी पढ़ लो और ये न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। ये दो चीज कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आपका टाइम ना बचे मॉक टेस्ट देने के लिए, पर और पहले आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। इसलिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, समय गवाए हुए बिना आप कोर्स को एनरोल करो और पास करो, ठीक है। दूसरी चीज कौन सा कोर्स है, हमारे बहुत तरह का कोर्स चलता है तो आपको वो भी जानना जरूरी है। इस प्रोग्राम का नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स नाम है। क्या नाम है, फेस टू फेस वीडियो कोर्स इसका नाम है। यही इसी के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो दो प्रोग्राम दिखता है आपको, एक वर्जन 2 भी मिलेगा और वर्जन 1 भी मिलेगा, ठीक है। जब लॉग इन करेंगे ना, जब लॉग इन करते हैं ऐसा समझिए, लॉग इन किया तो आपको क्या दिख रहा है, वर्जन 2 वर्जन 1। वर्जन 2 मत पढ़िएगा, ये डिटेल्ड ज्यादा होता है, वर्जन 1 आपको पढ़ना है, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि वर्जन 2 और अच्छा है, पर उसमें वही है कि टाइम ज्यादा लगेगा, ना टाइम है नहीं। मैंने वर्जन 1 इसलिए बनाया ही है कि 24 घंटे में कोर्स खत्म हो जाए। दूसरी चीज, जो मैं पढ़ा रहा हूं प्योर मैकमिलन बुक का रहेगा,
तो आपको इधर उधर दिमाग भी लगाने की जरूरत है। अगर बुक रखे तो कार्बन कॉपी दिखेगा उसका, ठीक है। ये सारी कोर्सेज जो है आपकी ऑनलाइन मोड पे होता है, आप 24/7 देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसकी हेल्प से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है, ठीक है। तो वैलिडिटी कभी एक्सपायर नहीं होता। एक चीज और, अगर मान लीजिए आप कोर्स कर रहे हैं, कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं तो फेल कर गया तो क्या करूंगा मैं, ये हो सकता है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप फेल कर गए तो आप फिर अगले बार के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है, कभी खत्म नहीं होता। उस केस में आप वर्जन 2 पढ़ेंगे, अगर फेल हो गए अगले बार के लिए क्या पढ़ेंगे, वर्जन 2 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या क्या इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, और आपको दोनों ही मिलेंगे, वर्जन 2 वर्जन 1 दोनों मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आपको केस स्टडी, या हम इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल का वीडियो आपको अलग से रहेगा। तीसरा नोट्स हो जाती हैं पीडीएफ में। चौथा एडिशनल रीडिंग मटेरियल आप ले सकते हैं, वीडियो प्लस पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है। फिर आपके पास 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक होता है, ये भी पीडीएफ में होगा, और 30 मॉक टेस्ट होगा। अब एक बहुत सवाल आएगा आपके मन में, हमें क्या करना है अभी के लिए? अभी के लिए हम वीडियो कोर्स पढ़ेंगे, केस स्टडी करेंगे और एडिशनल रीडिंग मटेरियल पढ़ेंगे, और हम मॉक टेस्ट देंगे। ये चार काम करना है हमें, ठीक है। मॉक टेस्ट तभी देंगे जब हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। और ये तीन चीज तो करना ही करना है, 1, 2 और 4 नंबर का चीज, ठीक है। ज्यादा अच्छा, उसके बाद क्या है आपको कि जो सीआईबी का, अगर आप एबीएम बीएफएम या फिर रिटेल भी कर रहे, कोई भी पेपर आप ले लीजिए करते हैं, तो उसका दाम है 1500 रुपए। अगर आप सीएआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं, उसका दाम है 2700 रुपए। अगर आप सी ए आई बी का कॉम्बो पैक लेते हैं, यानी ऑल थ्री पेपर्स, तो इसका दाम है 3500 रुपए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए सिंपली फोन कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4×9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में भी आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। जो हमारा वेबसाइट है वो है www.jaiibcaiibstudymaterial.com, और ईमेल आईडी हो जाएगा हमारा sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।